हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन और ये वीडियो है बेंच वर्क और फिटिंग की सीरीज़ में टाइप्स ऑफ हैमर के बारे में। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि हैमर क्या होता है और हैमर के टाइप कितने होते हैं। हैमर आर यूज टू स्ट्राइक अ जॉब और टूल। ये नॉर्मली किसी भी जॉब पे स्ट्राइक करने के लिए या टूल को स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, एक टूल है। दे आर मेड ऑफ फोर्ज स्टील, ये फोर्ज स्टील का बना होता है, ठीक है। वेरिंग वेट में वेरी करता है एंड शेप टू सूट वेरियस पर्पस। इसकी जो वेरिएशन होती है इसकी वेट पर भी होती है कि कितने किलो का उसका, ठीक है, हथौड़ा है और उसका जो शेप है वो किस तरीके से है उसके जो पिन का है, ठीक है। अब नॉर्मल जो देखते हैं हम चलता है 0.11 से लेके 0.33 केजी का है वो। फॉर लाइट वर्क सच एज क्लिंचिंग स्मॉल रिवेट्स एंड डॉट पंचिंग इसके लिए, ठीक है। और 0.45 के लिए का फॉर चीजलिंग के लिए हो गया, मतलब अगर छेनी वेनी से तोड़ फाड़ करनी है तो उसके लिए हो गया। 0.9 वर्क का हो गया फॉर हैवियर वर्क सच एज चिपिंग, ठीक है। द पॉपुलर साइज फॉर द बेंच वर्क इज रेंज बींग इज अराउंड 0.33 to 0.45 के जी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि थोड़ा सा और आगे, दी हैंडल शुड बी, अब जिसकी अभी तो हमने इसकी वेट का बात करा था कि कितने वेट का होगा जो हमारा हैमर है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी जो उसके हैंडल की होगी। हैंडल की जो लेंथ होती है वो 250 से लेकर 325 mm तक की होती है, ठीक है। और फॉर लाइट हैमर के लिए जो हमारा होता है वो 200 से लेके 260 के बीच में होता है, और हैवियर के लिए क्या होता है हमारा 300 से लेके 450 के बीच में। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा हैमर है उसमें उसके जो हिस्से हैं उसके बारे में। तो इसको हम हैमर का पिन बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी वेज होती है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कील या कोई रिविट विट डाल के इसको ब्लॉक कर देते हैं वेज ब्लॉक की तरह, ताकि या थोड़े कोई स्ट्राइक करते समय बाहर निकल जाए। ये इसकी आई होती है, ठीक है, ये इसका फेस होता है, ठीक है, और ये इसका हैंडल होता है। ये हमारा हैंड हैमर हो गया, ठीक है। हैमर आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द पिन एज बॉल पिन, क्रॉस पिन एंड स्ट्रेट पिन हैमर। हैमर को जनरली उसके पिन से कैरेक्टराइज किया जाता है कि मतलब उसको बताया जाता है कि किस टाइप का है वो, ठीक है। पहला हम देखते हैं बॉल पिन है। बॉल पिन हैमर, दिस इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अ हैमर एंड इट समटाइम्स कॉल इंजीनियस हैमर और चिपिंग हैमर्स। द पिन हैज़ अ शेप ऑफ अ बॉल विच इज़ हार्डन एंड पॉलिश्ड। दिस हैमर इज़ चीफली यूज फॉर चिपिंग एंड रिवेटिंग। द साइज ऑफ दिस हैमर इज वेरीज फ्राम 0.11 to 0.91 के जी। जो हमारा ये हमने जिसका ये डायग्राम दिखाया था वो बॉल पिन हैमर का ही डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या है, जब इसकी जो पिन है वो नॉर्मली क्या होती है, बस राउंड टाइप की होती है, इसलिए क्या बोलते हैं बॉल पिन टाइप, ठीक है। अगला देखते हैं क्रॉस पिन टाइप हैमर। दिस इज सिमिलर टू द बॉल पिन हैमर इज शेप इन शेप एंड साइज एक्सपेक्ट द पिन विच इज अक्रॉस द शाफ्ट और आई। दिस इज मेनली यूज बेंडिंग स्ट्रेचिंग हैमरिंग इन टू शोल्डरिंग इन साइड कर्व्स एटसेट्रा। द साइज ऑफ वेरी फ्रॉम 0.22 to 0.91 के जी, ठीक है। और क्रॉस पिन इस तरीके से होता है, इसका जो हमारा पिन होता है ये कुछ क्रॉस टाइप करके होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं स्ट्रेट पिन। स्ट्रेट पिन हैमर, दिस इज हैमर हैज़ अ पिन स्ट्रेट विथ द शाफ्ट, यानी कि द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। दिस इज यूज फॉर द जो स्ट्रेट पिन होता है, इसका जो हैमर का पिन होता है वो नॉर्मली जैसा हमारा नीचे का यहाँ पर ये होता है फेस, वो ऊपर का भी उसी तरीके से क्या होता है एग्जैक्ट स्ट्रेट होता है, ठीक है। दिस इज यूज फॉर स्ट्रेचिंग और पिंग द मेटल। द साइज वेरीज फ्रॉम 0.11 to 0.91 के जी, सेम उसी वेट की कैटेगरी का ये भी। अब जो हमारा आता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉफ्ट हैमर, ठीक है। वेयर इज नेसेसरी टू स्ट्राइक अ ब्लो विथ अ मिनिमम डैमेज टू द सरफेस। अ सॉफ्ट हैमर कॉल्ड मेटल इज यूज्ड। अब अगर हमें ऐसे सरफेस पे हिट करना है, हम चाहते हैं कि वहाँ पर डैमेज ना हो, जैसे किसी नॉर्मल काफ़ी स्मूथ सरफेस को या जो फिनिश सरफेस है उसको किसी में फिट करना है, तो हम हैवी हैमर से नहीं मारेंगे। हैवी हैमर से मारेंगे तो उसके जो कॉर्नर हैं जो पॉलिश किए हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो हम मेटल यानी कि सॉफ्ट हैमर का इस्तेमाल करते हैं। वो दोनों तरफ हार्ड रबड़ का होता है या ब्रास का या इस तरीके से होता है, ये बताते हैं, ठीक है। मेटल्स हेड से बताया मैंने, दे आर मेड ऑफ रॉ हाइड हार्ड रबर कॉपर ब्रास लीड और मोस्ट कॉमनली ऑफ वुड के ही बनाए जाते हैं।
अब सॉफ्ट हैमर दिखता किस तरीके से, इस तरीके से होता है, बीच में इसके स्टील का होता है ये, ठीक है, और ये हमारा प्लास्टिक का भी होता है, वुड का भी होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये हार्ड रबर या इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सॉफ्ट हैमर।